हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये अ डे इन माय लाइफ, ये ब्लॉग मेरा राखी की शॉपिंग का है और पैकिंग का है। बहुत सारी लेडीज़ मुझसे कनेक्ट कर रही होंगी कि जो जिन जिनको अपने मायके जाना होगा, कॉज फेस्टिवल टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने मायके जाने के लिए, जब राखी या भाई दूज वगैरह आता है। तो यस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। हालांकि मुझे कल नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ पे मैंने सब बच्चों की और अपनी पैकिंग कर ली। मुझे पैकिंग में कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक दिन पहले पैकिंग कर लेती हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत इजी हो जाएगा, मैं बाकी सारी चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ मैंने ये फ्लिपकार्ट से बैंगल्स मंगाई थी, आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखी होंगी, बट मैंने इसको वेयर नहीं किया था, तो मैं इसको राखी पे वेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और ये टी शर्ट्स हैं जो मेरा भाई मेरे लिए अंडमान से लेकर आया था, तो ये हम चारों के लिए लेकर आया था, हम लोगों ने कभी नहीं पहनी। मुझे इस बार फ़ोटोशूट कराना है तो इस बार मैं उसको रख रही हूँ और मैं फ़ोटोशूट भी कराऊँगी। अब पैकिंग के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, बिकॉज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। और फेस वॉश करके जस्ट मैंने यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मली बीबी क्रीम या कॉम्पैक्ट से ही अपना मेकअप फिनिश कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ अगर मुझे पास में ही शॉपिंग के लिए जाना होता है। और अगर डे टाइम में जाती हूँ तो मैं बिना सनस्क्रीन के नहीं जाती हूँ। और मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूँगी और कि आप लोग बिना सनस्क्रीन के कभी भी बाहर मत जाइए। हमारे फेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ब्लेमिशेज या एजिंग वगैरह का इशू होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी सनरेज से इफ़ेक्ट हुई स्किन का ही होता है, जो हम एज से पहले हमारी स्किन ख़राब होने लग जाती है। तो सनस्क्रीन मस्ट होती है, तो आप ज़रूर से यूज़ करिए। अब यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी बिंदी लगा के अपना फाइनल लुक पूरा करूँगी, इसके बाद मैं चलती हूँ नीचे। सो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जाती हूँ थोड़ा शॉपिंग के लिए। मैंने अभी राखी वगैरह नहीं ली है तो मैं वो लेती हूँ जाके, और मुझे कुछ ज्वेलरी की शॉप पे भी कुछ काम है, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी करूँगी। और चलते हैं। ये रहा, मैंने आज हल्की फुल्की सी कुछ कुर्ती डाली है, मैं आजकल थोड़ा सा ट्रेडिशनल पहनने लगी हूँ। और मैं फटाफट से निकलती हूँ, बिकॉज हस्बैंड मुझे बहुत देर से कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आओ फटाफट से, बहुत लेट हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 7 o'clock हो चुका है इस टाइम पे। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या शॉपिंग करी। एज सच मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, बस राखी वगैरह और कुछ डेकोरेटिव प्लेट्स वगैरह और ये सब देखूँगी मैं। तो चलते हैं। क्यों, क्या कह रही है? वो मेरे से कुछ हो रही थी। क्या कह रही थी? वो मेरे से शैतानी करता है मुझे। अच्छा। यहाँ हस्बैंड गाड़ी लेकर आ गए हैं और ये मेरा बेटा बहुत शिकायत कर रहा था, उसके किसी फैंसी उसकी लड़ाई हो गई थी ना, तो उसी लिए बता रहा था मम्मा मेरी, उसने मुझसे बात नहीं किया। इतने छोटे छोटे बच्चे भी ना इतना छोटी छोटी चीज़ों को इतना दिल से लगा लेते हैं। एनीवेज, ये हम आ गए हैं मार्केट में और मार्केट की क्या रौनक होती है ना फेस्टिवल के टाइम पे, सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये ससुराल खुला हुआ है और थोड़ी ही दूर पे मायका है, ये दोनों रेस्टोरेंट्स हैं जो कि थोड़ी थोड़ी दूर पे खुले हैं। काश ऐसा ज़िंदगी में भी होता ना, मतलब बहुत सारे लोगों का होगा बट मेरा नहीं है। ससुराल और मायका पास में होता ना तो इतना इश्यूज नहीं रहते जाने और आने के। और मैं ये देखिए अपनी शॉप पर आ गई हूँ जहाँ से मैं राखी वगैरह लूँगी, और देखती हूँ कैसी राखी मिलती है यहाँ पे। और ये देखिए कितनी सारी वैरायटी है राखी की। हस्बैंड बोलते हैं अरे कोई सी भी ले लो ना, कोई सी भी ले लो ना, मैं थोड़ा सा चूजी हो जाती हूँ, बिकॉज दो ही भाई हैं और अच्छा लगता है और एक भाभी है। और ये मैंने देखिए, ये तिलक के लिए, रोली तिलक के लिए मैंने ये लिया है, बहुत ही प्यारा था ये। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ थी। हल्दी चावल और इससे मुंह मीठा करा दो तो मिठाई के पैसे बच जाएंगे। सही कह रहे हो, आजकल भैया भाई बहुत कंजूस हो गए हैं। उन्होंने कहा इससे ही काम चलाओ, उतने में बजट तो आ जाए कम से कम। हाँ भी वो गिनती के इतने कम से कम 65,000।
यहाँ मैं एक के बाद एक राखी देख रही हूँ, बस एक लास्ट राखी रह गई है मेरी भाभी के लिए, तो मैं वही राखी देख रही थी कि कौन सी लूँ। बस इसी कंफ्यूजन में मुझे शॉपकीपर जो था मुझे बार बार दिखा रहा था, ये देखिए ये अच्छी है, बट वही है ना, हमें नहीं समझ में आती है। मुझे राखियाँ वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो ज़्यादा टूटे नहीं, वो प्रॉपरली थ्रेड में जो वर्क होकर आता है ना, मुझे वही राखियाँ चाहिए होती है, बट इस बार नहीं मिल रही थी यहाँ पे, तो मैं उसी वही देख रही थी। आपको राखी पहननी है? कौन पहनाएगा? पापा। क्या बोला तूने? बहना। यहाँ फिर शॉप पे मुझे मल्टीग्रेन बिस्किट्स चाहिए थे, कॉज मैं थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक को लेके ज्यादा सीरियस हो गई हूँ कुछ दिनों से, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो बिस्किट्स हो या किसी और तरीके से। और इसको देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, गोल्ड कॉइन्स ऐसा लग रहा है, इसमें सोने के किसी ने सिक्के डाल रखे हैं। बस मैंने तो इसको देखा और ले लिया तुरंत ही, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसने मेरी बचपन की याद ताज़ा करा दी। आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम इस तरह की छोटी छोटी चॉकलेट्स खाते थे जो कि गोल्ड रैप में आती थी, तो मैंने बस लिया उसको। और अपने बेटे से मैं पूछ रही हूँ कि बेटू राखी बनवानी है, तो वो बोल रहे हैं हाँ मुझे बनवानी है। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड रहते हैं राखी के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि शायद उनकी राखी नहीं कोई बांधेगा, बट ऐसा नहीं है। उसकी तीन तीन बहनें हैं, उसमें से दो बहनें तो राखियाँ भेज देती हैं बिकॉज वो दूर है, और एक मुझे एक मेरे भाई की बेटी है तो वो बांध देती है। और यहाँ मैं स्टेशनरी की शॉप पे आई हूँ, मुझे कुछ सामान लेना था, बट स्टेशनरी का सामान तो मुझे कुछ नहीं मिला, पूरी शॉप राखी से भर रखी थी। आपके तीन तीन बहने हैं ना, एक दित्या बांधेगी और बाकी दीदी की राखी आ गई है, और नानी नहीं बांधती है। A few moments later. यहाँ मैंने घर पे आती बस फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया, खाना मेरा पहले ही बन चुका था, रोटियों वाला काम वो मेरा था जो कि मुझे लास्ट में करना ही था, कॉज हम लोग सब गर्म ही गर्म खाते हैं, बहुत सारे घरों में गर्म ही खाई जाती होगी। और इसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट इसलिए था कि मुझे ज्वेलरी शॉप पे जाना था, वो ज्वेलरी शॉप बंद थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि मंडे को वो बंद होती है, पता नहीं शायद मे बी इस दिन मार्केट बंद रहता होगा, तो इसी वजह से वो शॉप बंद थी, तो मेरा काम नहीं हो पाया है। और मुझे लगता है मे बी शायद अब मैं रक्षाबंधन के बाद ही मैं जा पाऊँगी शॉप पे, इवन मुझे वो पहले ही चाहिए थी, मुझे कुछ गिफ्ट करना था किसी को, बट अब नहीं हो पाएगा। और आज खाने में जो बना है ना वो टोफू बना है, टोफू के साथ मैंने पोटैटो बनवाया है, तो टोफू बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, और आप लोग डेली इनटेक ज़रूर किया करिए, डेली नहीं तो वीक में 3 or 4 times तो लेना ही चाहिए। यहाँ देखिए मेरा बेटा प्रैक्टिस कर रहा है स्पून पे लेमन रख के करने की, हम सब ने ही ये गेम्स किए हैं अपने टाइम पे, कल नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो कि स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है इनके, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। लुक एट दिस, की 3 years का बेबी इतना अच्छे से मेरा कर रहा है ना, मैं इसको यही देख के बोल रही थी बहुत अच्छा, मतलब उसने नीचे रखी हुई हॉकी भी इतने अच्छे से उठा ली, इट्स टू गुड। ये बहुत शैतान और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। और इधर मैं फटाफट से इस रूम में आ गई हूँ, जो कि ये रूम मेरा रूम ना हो गया, एक स्टोर रूम की तरह हो गया, इतने कपड़े फैले रहते हैं ना, अगर आप मेट्स वगैरह पे छोड़ दो, ये सारे काम मेरी मेट करती है, बट वो नहीं, कुछ टाइम से ना बस मैं बोल रही हूँ और हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिन में करने के लिए, बट ये मैं फटाफट से मैं सारा काम खुद ही, अब मैंने सोचा उसके सहारे तो नहीं रहना है, मुझे खुद ही करना है, कॉज में जब घर से लौट के आऊँगी ना मायके से, तो मुझे घर जो बिखरा हुआ रहता है मेरे को इतना टेंशन सी हो जाती है, अजीब सा लगता है, मतलब मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील नहीं करती हूँ। तो इस समय जो बज रहा है ना वो 11 बज रहा है, नॉर्मली मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ इस टाइम तक, और आज मैंने अभी चेंज भी नहीं किया है, बस एक क्लीन अप लेके मैं उसके बाद सोने जाऊँगी। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग एंड होता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।